News 18, India. तो इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर हैं और तीन दिन पहले यहाँ पर किसान पहुंचे थे। सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो जत्था है जो ट्रॉलियों का, और आप इससे अंदाजा लगाइए कि लगातार तीन दिन एक के बाद एक यहाँ पर ट्रॉलियां बढ़ रही हैं, किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बैठक होनी है, और उस बैठक से पहले एक अच्छी खबर यह है कि दो दिन पहले जिस तरीके से हमने देखा कि RAF और हरियाणा पुलिस की तरफ से एक तरीके से टियर गैस जो छोड़ा गया था, वो आज हमने यहाँ पर एक भी आंसू गैस का गोला छूटते हुए नहीं देखा है। शायद वो इसलिए क्योंकि आज किसान नेताओं और सरकार के तीन मंत्रियों के साथ बातचीत होनी है, और करीब किसान संगठनों की तरफ से करीब 15 से 20 लोग वहां पर पहुंचेंगे। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि किसान नेताओं की तरफ से यहां पर लोगों से अपील की गई है, जो खासतौर से युवा यहां पर प्रदर्शन में पहुंचे, उनसे ये कहा जा रहा है कि आपको किसी भी तरीके से भड़कावे में नहीं आना है, आपको किसी भी तरीके से पत्थर किसी पर नहीं चलाने हैं, आपको कोई तकरार नहीं करनी है पुलिस से, इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि यहां से शंभू रेलवे स्टेशन पास में है राजपुरा है, तो वहां पर रेल रोको आंदोलन भी वहां पर चल रहा है, रेल की पटरियां रोकी गई हैं, जो अभी से करीब 2 घंटे तक वहां पर इसी तरीके से रेल रोकी जाएगी। तो इसमें आपको यह भी समझना होगा कि जिस जगह ये प्रदर्शन चल रहा है, इस प्रदर्शन को यहां पर लीड जगजीत सिंह डलेवाल और सरवन सिंह पंडेर कर रहे हैं, और ये वो नेता है जो संयुक्त किसान मोर्चा के गैर राजनीतिक फ्रंट से जुड़े हुए हैं। अभी जो समर्थन मिला है दूसरे किसान संगठनों का, रेल रोको या सड़क रोको या टोल प्लाजा को फ्री करो, वो संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक जिन लोगों ने पंजाब में चुनाव लड़े थे तो वो उससे जुड़े हुए हैं, हालांकि उनका समर्थन मिला है, लेकिन यहां पर सभी वो लोग मौजूद हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मानव लॉचिंग के आपके पास आप नजर बनाए रखिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, अब प्रदर्शन के बाद रेल रोको अभियान भी किसानों ने शुरू कर दिया है। उधर केंद्र सरकार ने किसानों को चिट्ठी लिखकर तीसरे दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। ये चिट्ठी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से किसानों को भेजी गई है। चिट्ठी में किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डलेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंधेर को संबोधित कर लिखी गई है, और दोनों नेताओं को आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बातचीत के लिए न्योता दिया गया है। किसानों के साथ इस मीटिंग में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल होंगे। तो कृषि मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और पिछले दौर की जो बातचीत हुई थी हमने देखा था कि किसान नेता मीटिंग को बीच में छोड़कर ही चले गए थे। आज शाम को चंडीगढ़ में बैठक होनी है, अहम बैठक होनी है, तीन तीन केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में यह बैठक होगी। उससे पहले जो पंजाब से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कैसे रेल रोकी हुई है, और ये किसान नेताओं को समझना चाहिए, प्रदर्शनकारियों को समझना चाहिए कि इससे आम लोगों की दिक्कतें बढ़ रही है। उधर सरकार कह रही है कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं और कोई भी समस्या का समाधान संवाद के जरिए ही होता है। तो ये किसान नेताओं को चिट्ठी लिखी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें शाम 5 बजे बैठक के लिए चंडीगढ़ में आमंत्रित किया गया है। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से, जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर, जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढें। जो कानून बनाने की बात होगी उसमें सभी ऐसे विषयों पर ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे कि कठिनाई ना हो और जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से हो, अच्छे के लिए हो। तो इस बात पर हमें और चर्चा इसलिए करने की आवश्यकता जरूरी है क्योंकि इसके पहले भी इस तरह की जब बातें आई तो उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधि के माध्यम से चर्चा करने की बात की गई, लेकिन उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने योगदान नहीं किया। तो सरकार लगातार बातचीत के जरिए समाधान की बात कह रही है, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि सरकार किसानों की मांग पर बहुत संवेदनशील है, सरकार किसानों के हित में लगातार काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। किसानों को समय समय पर जो हम सहायता देते हैं उसमें आज विभिन्न प्रकार के जो उनका मुआवजा या था उनकी जो इंसेंटिव राशि वो जो बनती है उसको आज हमने रिलीज़ किया है। आपको पता है कि हरियाणा इसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने किसानों के प्रति काम करता है कि जब भी कभी किसी प्रकार की कोई आपदा आती है अथवा हमको कोई नई स्कीम चलानी होती है जिसमें किसान का भी हित हो और उसमें
प्रोडक्शन के नाते हो अथवा नई विधि के नाते से, कोई टेक्निक के नाते से हो, तो वो उसके लिए हम नई नई चीज़ें अपनी खोजते हैं आवश्यकता के अनुसार। मानव, न्यूज 18 इंडिया संवाददाता लाइव मौजूद है। मानव, हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी सुना और आप जरा किसानों से पूछिए, क्योंकि जो जगदीश सिंह डल्लेवाल कह रहे हैं उसके बयान को हरियाणा के मुख्यमंत्री भी राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। इस वक्त क्या माहौल है और किसान इस पर क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जगदीप डल्लेवाल के बयान पर हम उनसे प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये शंभू बॉर्डर की वो तस्वीरें हैं जहां से आपका शंभू टोल प्लाजा खत्म होता है और हरियाणा की सीमा लगती है, और वहां पर आप देखेंगे तो और जो आरएएफ के जवान हैं और हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं। अब प्रतिक्रिया की बात करते हैं। देखिए ये जो आंदोलन है, जो इस शंभू बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है, ये गैर राजनीतिक लोगों का है, लेकिन डल्लेवाल साहब ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाता है। मैं पहले किसानों को उनका बयान बता देता हूं, बयान क्या है, क्योंकि यहां पर नेटवर्क नहीं है तो शायद उन लोगों ने डल्लेवाल साहब को वीडियो ना दिखाओ। डल्लेवाल साहब का एक वीडियो सामने आया है, एक बयान सामने आया है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ग्राफ काफी ऊपर गया है और हमारे पास अभी समय है कि हम उस ग्राफ को नीचे ला सकते हैं। ऐसे समय में जब आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर आंदोलन चलाने वाले जो लोग हैं वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, तो लगता नहीं है कि इस तरीके के बयान से जो आंदोलन है वो कमजोर होगा? नहीं जी, वैसे कोई ये सब झूठ बात है, मोदी का कोई ग्राफ ऊपर नहीं गया है। जो ग्राउंड रियलिटी है, मोदी सब ये फेक मीडिया, जो मीडिया में बातें चल रही हैं, ये मोदी को वो तो ठीक है। देखिए हर तरह से चीजें, हम भी तो खबरें दिखा रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, हम भी टिके हुए हैं, तो आपको क्या लगता है? मैं इस आंदोलन को देख रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल बात अभी तक नहीं हुई थी, तो आपको लगता है कि जब ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट आएगा और उन नेताओं की तरफ से जो अभी तक किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति से जुड़े हुए हैं, ऐसा स्टेटमेंट देंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई दूसरे मंत्री हो, तो लगता नहीं है कि इससे भटकाव पैदा होगा? एक नहीं जी, कोई घटाव नहीं पैदा होगा। बाकी संयुक्त किसान मोर्चे की जो आप बात कर रहे हैं, सभी जथेबंदियां एक हो चुकी हैं, जो मीटिंग चल रही हैं, ये मोर्चा बढ़ेगा, मोर्चा बढ़ेगा। ये डल्लेवाल साहब ने एक बयान दिया और ये कहा कि नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ है वो राम मंदिर के चलते ऊपर उठा है, लेकिन अभी समय है, हम उस ग्राफ को नीचे ला सकते हैं। इस तरीके के बयान से लगता नहीं है कि आंदोलन की दिशा बिगड़ेगी? नहीं नहीं, दिशा कैसे बिगड़ेगी जी? देखो राम मंदिर भी हम चाहते हैं, राम मंदिर बने, बनाए राम मंदिर जी, हमको कोई राम मंदिर गिला शिकवा नहीं है, और लेकिन जो बिल्कुल मानो, और लगातार ये प्रतिक्रियाएं आ रही है उन लोगों की भी जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर, लेकिन कुछ बयान जिसे अब आरोप लग रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है। कह रही है कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। देखिए हमने सरकार के समक्ष पहले भी बातें रखी है, अपना जो है MSP खरीद की गारंटी का कानून की, और C2+50% है, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार दी जाए, किसान मजदूर का कर्ज खत्म किया जाए, जो बाहर से फसलें आ रही हैं उनपे ऊपर जो आयकर लग रहा था उसे जीरो किया जा रहा, वो ना किया जाए, लैंड एक्विजिशन एक्ट में